समय अगर आप कुछ लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं कि मोहन अपने माँ की आंखों का तारा है, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं आप लिखेंगे कि मोहन अपनी माँ का लाडला है, तो दोनों एक ही हुआ, लेकिन आंखों का तारा है ये पढ़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्रभाव पड़ रहा है कि हाँ इसको तो हिंदी आती है, ये लड़का बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए हम मुहावरे का उपयोग करते हैं कि भाषा हमारी प्रभावशाली लगे, दूसरे पर प्रभाव पड़े, यहाँ इसने तो बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, दूसरा है यह एक संपूर्ण वाक्य न होकर वाक्य का एक अंश होता है। अंश मतलब छोटा सा वाक्य, पूरा वाक्य नहीं होता है। जैसे राम घर जाता है पूरा वाक्य, ठीक है, लेकिन जाता है ये वाक्य का एक अंश है। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए आपको एक पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा। उसी तरह मुहावरा जो होता है वो वाक्य का एक अंश होता है, ठीक है, जिसके प्रयोग से वाक्य सुंदर तथा सुस्पष्ट बन जाता है। उसी वाक्य के अंश को जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे आंखों का तारा, ये पूरा वाक्य ना होकर वाक्य का एक अंश है। ठीक है, तो जब आपने इसको प्रयोग किया अपने वाक्य में, जैसे राम अपनी माँ के आंखों का तारा है, तो जब उसमें आप एक पूरा वाक्य दिए हैं तो उसमें मुहावरे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो मुहावरा लिखने के लिए हमेशा, इसको याद रखिएगा, मुहावरा लिखने के लिए हमेशा एक वाक्य की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसके प्रयोग से वाक्य सुंदर तथा सुस्पष्ट बन जाता है। मुहावरे का प्रयोग जब आप करते हैं तो देखने में पढ़ने में वाक्य बहुत सुंदर लगता है और उसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि यह कहना क्या चाहता है, इस वाक्य में जिसने भी लिखा है इसको वो हमसे क्या कहना चाहता है, ये पूरी तरह से सामने आ जाता है। ठीक है, तीसरा है मुहावरा लिखने के लिए हमेशा एक वाक्य की जरूरत होती है। मैंने अभी आपको बताया है कि मुहावरा एक वाक्य का छोटा सा अंश होता है जिसको लिखने के लिए हमेशा हमको एक वाक्य की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ईद का चांद होना, यानी बहुत दिन बाद दिखाई देना। ठीक है, तो ईद का चांद होना एक छोटा सा अंश है वाक्य का, पूरा वाक्य नहीं। आप सिर्फ कहेंगे ईद का चांद तो नहीं समझ में आएगा, जब आप कहेंगे अरे उसको देखो जब से लखनऊ गया है ईद का चांद हो गया है, यानी जब से लखनऊ गया है वो दिखाई ही नहीं देता, बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि ईद का चांद कभी कभी दिखता है, बड़े मुश्किल से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि जो हमारा वाक्य होता है, जो हम लिखते हैं वाक्य, जब हम लिखते हैं तो लिखते समय वो वाक्य को बहुत ही सुंदर, प्रभावशाली और सुस्पष्ट बना देता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मुहावरे के कुछ उदाहरण और उसके उसको हम किस तरह से वाक्य में प्रयोग करते हैं यह मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको इसके कुछ उदाहरण, मुहावरे के कुछ उदाहरण आपको बताऊंगी और समझाऊंगी। ठीक है, पहला है आंखों का तारा। अभी मैंने आपको बताया था आंखों का तारा, इसका अर्थ होता है, यानी इसके माने होता है बहुत प्यारा। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग देखिए, मोहन अपने माँ की आंखों का तारा है, यानी मोहन अपने माँ को बहुत प्यारा है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम वाक्य प्रयोग करते हैं, या तो वो किसी भी शब्द का वाक्य प्रयोग करें या मुहावरे का वाक्य प्रयोग करें, तो हमेशा हम मुहावरे का करेंगे तो हमेशा हम मुहावरा ही लिखते हैं, न कि अर्थ लिखते हैं। ठीक है, जब भी हम वाक्य प्रयोग करेंगे मुहावरे के लिए तो हमेशा हम मुहावरे को ही वाक्य में लिखते हैं, अर्थ को नहीं लिखते हैं। अर्थ को अगर लिखेंगे तो मुहावरा लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये आपका पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी वाक्य प्रयोग आए मुहावरा आए कि मुहावरा लिख करके उसका अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग करिए, तो आप हमेशा अर्थ लिखेंगे लेकिन वाक्य प्रयोग में आप मुहावरे का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने अंडरलाइन यानी रेखांकित भी कर दिया है, मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, आंखों का तारा मुहावरा है जिसका प्रयोग यहाँ वाक्य में किया गया है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरा है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी यानी आप देखेंगे सड़क पे अंधे व्यक्ति जो
एकमात्र सहारा। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, राम अपने माँ पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा है, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग इसी तरह किया गया, यानी राम जो पुत्र है, माता पिता का जो पुत्र है, वही एक अकेला पुत्र है जो उनके लिए एकमात्र सहारा है, ठीक है। तो इसलिए उसको अंधे की लकड़ी कहा गया है। आई बात समझ में? जिस तरह अंधे के लिए एक लाठी सहारा होता है, एकमात्र सहारा होता है, उसी तरह राम अपने माता पिता के लिए एकमात्र सहारा यानी अंधे की लकड़ी है। इसलिए यहाँ पर भी मुहावरे का ही प्रयोग किया गया है, न कि उसके अर्थ का प्रयोग किया गया। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, वाक्य प्रयोग में आप मुहावरा ही लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।